हमारे प्रधानमंत्री सरकारी फंक्शन अगर था तो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्यों रोड पर पहुंचे थे? वो तो फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्हें वहीं से जो है रिसीव कर लेना चाहिए था। पार्टी की लीडरशिप जाती है उन्हें रिसीव करने के लिए, तो लगेगा तो यही मैसेज तो यही जाएगा कि पार्टी का फंक्शन। आपकी कमिटमेंट है कि पहाड़ियों को उनका राइट मिलेगा, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। टाइमलाइन आप नहीं बता सकते कि कब मिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री यहां पर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं, हमने किसी से नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, था वो सरकारी कार्यक्रम, लेकिन ऑपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि उस सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी ने पार्टी फंक्शन बनाकर रख दिया। अब प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर आए उससे लोगों को कई सारी तवक्काएं थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐसा बयान भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। वो पंचायती दिवस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, पंचायतों को लेकर उन्होंने बात की और उसके बाद वहाँ से चले गए। इस सब को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। विभोज जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोग जो हैं वो बसेस को धक्के लगा रहे हैं, और उसके अलावा कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि आप इस रैली में आए हैं तो बता रहे कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, तो अपोजिशन ये कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिमों को खींच खींच के एक पार्टी फंक्शन में लाया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद पल्लवी जी। मैं पहले ये आपके माध्यम से उन सारे साथियों को, उन सारे लोगों को जो इस किस्म की वीडियो अपलोड कर रहे हैं या इस किस्म की बेहुदा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये इस कार्यक्रम में बीजेपी के लोग क्यों आए, कार्यक्रम जो है वो सरकारी था और सरकारी मुलाजिम क्यों आए, उनको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि पंचायती राज दिवस के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम कर्नाटक में तय हुआ था। जब उनको पता चला कि कर्नाटक में तय हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे जम्मू में जाकर अपने जम्मू के लोगों में जाकर पंचायती दिवस जो है वो मनाना है। और फिर उसके ऊपर पल्ली गांव को चुना गया, सरकार ने पल्ली गांव को चुना, पंचायती राज दिवस था। अब जब पंचायती राज दिवस था, रूरल डेवलपमेंट उसको मना रहा था, कर रहा था, पंचायती राज दिवस के ऊपर PRIs ने आना था, पंचों ने आना था, सरपंचों ने आना था, BDC ने आना था, DDC ने आना था, और जो रूरल डेवलपमेंट कर रहा था उनके ऑफिसर्स, उनके एम्प्लॉइज़ ने भी तो आखिर आना था। अगर हमारे शुपियां से, हमारे बारामूला से, हम मान के चलते हैं कि बारामूला से 200 लोग आए, पांच सरपंच, BDC, DDC, अब उनको लाने की जिम्मेवारी किसकी थी? वहाँ के रूरल डेवलपमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने लाना था, उनको गार्ड किसने करना था? उन्होंने करना था। अगर वो उनके साथ ले तो आए, लेकिन वापसी का भी इंतजाम करना था, फिर उन्हें बसेस को धक्का नहीं लगाना। ये गवर्नमेंट ने बताना है, ये रूरल डेवलपमेंट ने बताना है कि उन्होंने लाए और फिर बसों को धक्के लगे, ये उनका सब्जेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में सरकारी मुलाजिम आए, ऐसा नहीं है पल्लवी जी। सरकारी कार्यक्रम था, पंचायती राज दिवस था, सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही थी, देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें आए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सरकारी फंक्शन अगर था तो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर के ऊपर पहुंचे थे। वो तो फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्हें वहीं से जो है रिसीव कर लेना चाहिए था। पार्टी की लीडरशिप जाती है उन्हें रिसीव करने के लिए, तो लगेगा तो यही मैसेज तो यही जाएगा कि पार्टी का फंक्शन। आप थे वहां कार्यक्रम में? तस्वीरें तो थी। नहीं, आप नहीं थे ना। आप मुझे ये बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस स्टेज पर बैठे हुए थे, जहाँ से उन्होंने एड्रेस किया, वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आपको दिखे? वहाँ पर प्रदेश के महामंत्री दिखे? प्रदेश के हम एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिखे? नहीं ना दिखे। पार्टी के सीनियर लीडर नहीं ना दिखे। अगर ये पार्टी का कार्यक्रम होता तो स्टेज में पार्टी के नेता बैठे होते, पार्टी के नेता वहाँ एड्रेस करते, अपने लोगों को एड्रेस करते। इसलिए मैं ये आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये ठीक बात है कि पार्टी के लोगों को एक जोश था 5 अगस्त 2019 के बाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि इस नए जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने, जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनका फोकस है उसको लेकर जम्मू कश्मीर की आम जनता भी उनसे प्यार करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्यार करते हैं। अगर आप पल्लवी, अगर आप देखेंगे तो लोग 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पैदल गए और 5-5 किलोमीटर पैदल आए। ये
लोगों का माननीय प्रधानमंत्री के तरफ प्यार था। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने ये कहा था डेली वेजर्स को कि आपको लेकर कोई बयान देगा आप रैली में जरूर आइएगा। उसी तरीके से एनएचएम वर्कर्स को बाकी उनको भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा था कि आपको लेकर ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री आप जरूर आइएगा। और आप पहाड़ी तबके से बिलोंग करते हैं, पहाड़ीज भी ये कह रहे हैं कि हमें भी यही तवक्का थी कि हमें लेकर कोई बयान देगा तभी हम गए थे। देखिए ऑन रिकॉर्ड कोई एक ऐसी स्टेटमेंट कोई आज सोशल मीडिया है ना, आज कोई टेलीफोनिकली भी बात करता है तो वो भी वायरल हो जाती होती है नहीं होती। मेरा ये मानना है कि कोई टेलीफोनिकली कोई बात किसी से हुई हो वो एक निकाल के कोई बता दे, आप बता दें, किसी को हमने बुलाकर कोई स्टेटमेंट दी हो, ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट दी हो, कोई प्रेस के अंदर हमने बोला हो, कुछ नहीं बोला। सरकारी कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं और ये क्या कहने वाले हैं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ था। पंचायती राज दिवस के ऊपर उन्होंने देश को एड्रेस किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को एड्रेस नहीं किया, यहाँ से उन्होंने देश को एड्रेस किया, देश को एक बड़ा मैसेज दिया और दुनिया को मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बड़े नॉर्मल हैं। लाखों की तादाद में संख्या जो है वो उनको सुनने के लिए वहाँ पर गई थी। और दूसरी बात आपने कहा कि पहाड़ियों को बोला कि मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है, जम्मू से अगर आप ये मैसेज देते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है जम्मू में तो पहले भी सब कुछ नॉर्मल। देखिए मैं पहले पहाड़ियों की जो आपने बात पूछी वो भी आप सुन लें कि भाई पहाड़ियों को कहा कि भाई आपको एसटी देगा, कोई एक पहाड़ी कार्यकर्ता पहाड़ी शख्स पहाड़ी कबीले का कोई भी एक नॉर्मल आदमी ये बोल दे कि कहीं ये बोला गया कि पहाड़ियों आप पहाड़ी कबीले के लोगों आप रैली में आओ और आपको वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी एसटी के दर्जे को अनाउंस करेंगे। एक सिस्टम है। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि भाई उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं बताई, कुछ लोग कहते हैं जी स्टेट उड़कान किया, वो पंचायती राज दिवस के ऊपर आए थे, पंचायती राज पे उन्होंने बात की, उन्होंने पल्ली पंचायत के पंच और सरपंचों से बात की, आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते कि कितना बड़ा मैसेज है कि देश के प्रधानमंत्री सरपंच और पंचों के साथ बैठे हैं। पल्ली गांव के अंदर उन्होंने आम लोगों से बात की, जम्मू कश्मीर के 10 से 12 सरपंचों को अवार्ड दिया, अच्छा सरपंच का उन्होंने पंचायत के अंदर काम किया परफॉर्म किया उनको अवार्ड दिया, एक मैसेज दिया कि पंचों सरपंचों को कि भाई आप अच्छा काम करो। उन्होंने ये मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3-tier सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने लाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाया और वो 5 अगस्त 2019 के बाद आया। पिछले 70 साल यहाँ पर पंचों के पास क्या पावर रही, यहाँ BDC के चुनाव कभी नहीं हुए, यहाँ DDC के चुनाव कभी नहीं हुए। ये सारी चीज़ें उस रैली के अंदर दिखी और दिखाई गई। यही कारण था कि कश्मीर के अंदर से भी हमारे जो तो BJP के जीते हुए थे वो तो आने ही थे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के BDC के DDC के पंच सरपंच कश्मीर के अंदर से भारी संख्या में यहाँ पर आए। और जहाँ तक आपने पहाड़ियों की बात की, मैं फिर ये कहूँगा कि एक सिस्टम के अंदर बात चलेगी। कमीशन मुकर्रर हुआ, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद वो जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है उसके ऊपर कुछ फैसला लेगी, ऑर्डिनेंस लाना होगा ऑर्डिनेंस लाएगी, पार्लियामेंट में रखना होगा पार्लियामेंट में रखेगी। ये हम कमिटमेंट है, ये माननीय अमित शाह जी की कमिटमेंट है कि पहाड़ियों को उनका राइट मिलेगा, उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। टाइमलाइन आप नहीं बता सकते कि कब मिलेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं, हमने किसी से नहीं कहा। इसलिए इस किस्म की बात और अफवाह जो लोग फैला रहे हैं वो एंटी पहाड़ी हैं। अगर इस किस्म की जो लोग बात करेंगे, जो इस समय इस किस्म की बातें करने का मतलब यह है कि जो हमारा काज है वो उस काज को हर्ट कर रहे हैं, उस काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस काज के लिए माननीय अमित शाह जी ने यहाँ 10 बार पहाड़ी समाज के कबीले के लोगों का नाम लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पहाड़ी समाज के लोगों का नाम लिया। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म की एक्सप्लाइटेशन करना ठीक नहीं है। वहाँ पर जो लोग आए थे वो अपनी मर्जी से आए थे, BJP का कार्यकर्ता आया था और उस स्टेज के ऊपर BJP के स्टेट प्रेसिडेंट नहीं थे। इसका मतलब यह है कि अगर वहां पर जुगल किशोर जी थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ऊपर बैठे होते तो कोई कह सकता था ये BJP का कार्यक्रम है, वो सरकारी कार्यक्रम था, रूरल डेवलपमेंट ने किया था और रूरल डेवलपमेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर से PRIs बुलाए थे और अब उनको गार्ड करने के लिए रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज और ऑफिसर आए थे, उनको आना भी बनता था, वो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता।
विप्लव जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से एक मैसेज देने की कोशिश की पल्ली पंचायत से कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। इसी को लेकर जानना चाहूंगी कि जम्मू के गांव से अगर ये मैसेज दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, तो जम्मू में तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, जम्मू में तो पहले भी सब नॉर्मल था। मेरी बात को समझे नहीं। इस रैली के अंदर, इस जो PRIs का कार्यक्रम हुआ, इसमें डोडा के सारे PRIs आए, किश्तवाड़ से आए, भदरवाह से आए, रजौरी से आए, पुंछ से आए, बारामूला के से आए, कुपवाड़ा से आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सब नॉर्मल का मतलब यह है कि कश्मीर से कम 4 से 5 हज़ार जो है PRIs यहाँ पर आए, नॉर्मल सी थी तो आए। अगर उनको कोई इस किस्म का डर होता कि भाई अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, तो एक भी ना आता, एक भी ना आता। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर संभाग से भारी संख्या में PRIs आए, वहाँ के कॉरपोरेटर्स आए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ आए। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के अंदर जिन्होंने देश का एक लोहा जवाब मनवाया है, उनके इस कार्यक्रम में आए और वो जो लोग आए और आज वापस चले गए। कहीं आपने देखा कि कहीं कोई नुकसान हुआ? इसका मतलब यह है कि एक मैसेज था कि जम्मू कश्मीर जो है अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। वो जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 8 मई को POJ के संकल्प दिवस भी मनाया जाने वाला है, उसको लेकर भी पहले ये कहा जा रहा था कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि वो भी एक अफवाह थी, वो नहीं आने वाले हैं। तो समझना चाहूंगी कि क्या लगता है कि ये अफवाह किसने उड़ाई थी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 8 मई को जो कार्यक्रम है वो जम्मू कश्मीर, हमारा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर पीपल फोरम, वो आगे भी जम्मू के हितों के लिए काम करता है। उस पीपल फोरम के बैनर पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, उसी तरीके से POJK के जो लोग विस्थापित हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनको भी 75 वर्ष हो गए। उनके इस 75 वर्ष के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहा है, और संकल्प उसमें कोई लफ्ज़ नहीं है, श्रद्धांजलि के साथ साथ पुण्यभूमि स्मृति दिवस, उसको पुण्यभूमि को याद करने का दिन है। और वो कार्यक्रम जिसमें एक हमें लग रहा है कि 30 से 40 हज़ार POJK के विस्थापित लोग उसमें आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे अपने 1947 में जो लोग हमारे शहीद हुए, बलिदान जिन लोगों का हुआ, और उसके साथ साथ अपने इलाके को याद करेंगे, जो मीरपुर के, कोटली का, पुलंदरी के लोग हैं, मुजफ्फराबाद के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में वो बसे हुए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है। आपके माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल हों। लेकिन जहाँ तक आपने अमित शाह जी की, एक माननीय गृह मंत्री जी की बात की है, देखिए ये ना तो हमने सुना कि माननीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, ना ही कोई ऐसा कोई ऑफिशियली पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम आया है। वो कहाँ से अफवाह उठी और कहाँ आकर अफवाह ख़त्म हुई है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है श्रद्धांजलि का, और उसमें यह भी तय है कि 1994 का जो एक, देखो पार्लियामेंट ने ये पास किया है, 1994 के अंदर, 1994 के अंदर देश की पार्लियामेंट में, और उस पार्लियामेंट में जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, उसमें यह एक चीज़ पास हुई थी कि हमें POJK वापस लेना है, वो हमारी ज़मीन है और वो हमारी है तो हमको लेनी है। अगर इसराइल सदियों बाद यहूदी इसराइल ले सकते हैं तो हमारा POJK वापस क्यों नहीं आ सकता है? वो बात वहाँ हमने अपनी पुण्य भूमि को याद करना है कि मीरपुर भी हमारा है, कोटली भी हमारा है, पुलंदरी भी हमारी है, मुजफ्फराबाद भी हमारा है। कभी ना कभी अब 370-35 से हटा, कुछ सोच सकता था कि 370-35 से हटेगा, लेकिन वो हटा। हमारा इतना ही मानना है कि 1994 का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके ऊपर काम होगा और कभी ना कभी हम POJK जो वापस आएगा। वो जी, आप ये कह तो ज़रूर रहे हैं कि POJK भी हमारा है, लेकिन POJK के ही जो रेफ्यूजीज़ जम्मू कश्मीर में हैं वो ये कहते हैं कि पहाड़ी तबके के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हम भी पहाड़ी और हम भी इन्हीं के। हमारा इतना ही मानना है कि ये एक पहाड़ियों को ST का जो दर्जा मिलना है, उसके मिलने के बाद जो जिनके राइट हैं उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तो इन्होंने कह दिया कि वो एक सरकारी फंक्शन था, वो BJP की रैली नहीं थी।